डिज्नी क्या ये सब सही था? आपसी रंजिशें, धोखे, बस इन लोगों तक अपनी कल्पना को पहुंचाने के लिए। मैं अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहा हूँ? पता नहीं क्यों कोई भी मेरे कार्टून्स को खरीदना नहीं चाहता। मिस्टर डिज्नी के लिए चिट्ठी आई है। सभी लोग मेरे कार्टून्स को खरीदना चाहते हैं। अपनी टीम को फिर से इकट्ठा करने का वक्त आ गया। क्या तुम सभी सपने दिखाने के लिए तैयार हो? हम अपना नाम क्या रखें? क्यों ना हम रखें लाफोग्राम। हमारा यही नाम तो कैंसर सिटी में भी था। हाँ सही कहा तुमने, ये नाम तो गया। तो आज से हम सभी लोग कहलाएंगे डिज्नी। ओ, ऐसे तो हमारी पहचान बिल्कुल भी बचेगी ही नहीं। हमें और मेहनत करनी होगी। एनिमेशन की इस जंग को हमें जीतना होगा। मैं कितना शानदार हूँ, मैं अपने ही डांस को एनिमेट कर दूंगा। मेरे कार्टून्स मजेदार होंगे। फ्लाइशर स्टूडियोज और उनकी रोटोस्कोप टेक्निक काफी शानदार है। पहले उन्हें हराना होगा और फिर बाकी सभी कंपनीज को। फ्लाइशर के कार्टून्स डार्क और अजीब होते हैं शहरी लोगों के लिए। हमारे कार्टून सुंदर और सभी के लिए होंगे। बिल्कुल, हम दूसरों से अलग कहानी और कैरेक्टर्स पर काम करेंगे। उसके बाद सबको चौंका देंगे। इसने तो सिनेफोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। ये आवाजें कितनी ज्यादा सिंक्रोनाइज्ड है ना। इससे मुकाबला करने का तरीका ढूंढना होगा। इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो मेरे दोस्त? हम स्टार्स हैं, तो स्टार की तरह रहो। अभी बहुत काम बाकी है। और एनिमेशंस बनानी होंगी जो पहले से भी बहुत बहुत बड़ी होंगी। लेकिन हम लगातार काम कर रहे हैं, सबको ब्रेक की जरूरत है। कोई ब्रेक नहीं, अगली एनिमेशन फीचर फिल्म होनी चाहिए, मेरे मिकी माउस से भी बेहतर। तुम्हारा मिकी? हमने साथ मिलकर उसे बनाया था। अगर तुमसे नहीं हो पा रहा तो जाओ, मैं दुनिया को एनिमेशन की नई दुनिया दिखाऊंगा। ये हमारे कार्टून्स हैं। तुम दिन ब दिन मतलब ही होते जा रहे हो। मैं जा रहा हूँ। इसे क्या हो गया? हमें इसकी जरूरत नहीं है हमारे अगले बड़े प्रोजेक्ट के लिए। बच्चों को क्या चाहिए? फेयरी टेल्स। दूसरी कंपनीज को पता चल चुका है कि हम उनसे कितने अलग हैं। अभी तो हमें और बड़ा बनना है। हमारे कस्टम बिल्ट मल्टीप्लेन कैमरा से कार्टून की दुनिया बदल जाएगी। लगता है कि एनिमेशन का सुनहरा दौर आ गया है। देख लेना डिज्नी, इस बदलते दौर में हम सब तुम्हें पछाड़ देंगे। मुझे तुमसे डर नहीं लगता, क्योंकि तुम मेरे मिकी माउस के आस पास भी नहीं हो। देखना, जल्द ही तुम्हें एनिमेशन की असली ताकत दिखाई देगी। शुरू हो जाओ पपाय। पोर्की से मजा चखा दो। अब ये लो मिकी, अपनी ताकत दिखाओ। टॉम एंड जेरी, अब तुम्हारी बारी। ये दोनों तो हमेशा आपस में ही लड़ते रहते हैं। लगता है कि समय आ गया। तुम्हारे कार्टून सब पुराने होते जा रहे हैं। क्या सच में? तो ये लो। स्नो व्हाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स, कैरेक्टर्स और कहानियों का बिल्कुल नया दौर। क्या बात है, ये शानदार और जबरदस्त है। सच कहूँ तो ये बहुत ही अलग है, थोड़ा अजीब पर शानदार। इतनी शानदार एनिमेशन, वो भी इतनी बड़ी लेंथ की, कमाल कर दिया। दुनिया का मनोरंजन करने के लिए और एनिमेशन में क्रांति लाने के लिए ये प्रेस्टीजियस अवार्ड जाता है मुझे। और किसे? मैं हूँ बेस्ट। ऑस्कर के बाद मैंने सब हासिल कर लिया, इसके बाद क्या? कैसे हो मेरे दोस्त डिज्नी? अब तुम वापस आ गए। अच्छा है। पुरानी दोस्ती कहाँ बुलाई जाती है, तुम्हारे बिना मैं भी अधूरा हूँ। जानता हूँ, हम साथ में एक अच्छी टीम थे। तुम्हारे बिना मैं अपनी स्किल्स का अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। आओ मिलकर कुछ तूफानी करते हैं। सही कहा दोस्त, तो चलो पुरानी टीम वापस साथ ले आएं। हाँ, बस एक छोटी सी नन्ही सी बात करना चाहता हूँ, मान लेना प्लीज। जान छोड़ के कुछ भी ले लो। टीम के साथ थोड़ा अच्छे से पेश आना। लोगों को सपने दिखाने वाले अगर खुद उदास हो तो सही बात नहीं है। मैं कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रोजेक्ट तहलका मचा देगा। क्या कह रहे हो? बस देखते जाओ, हमारी अगली फिल्म होगी पिनोकियो।
एक कठपुतली की कहानी जो इंसान बनना चाहता है। ये सुनने में दिलचस्प लग रहा है। और उसके बाद फैंटेजिया, पौराणिक दृश्यों और क्लासिकल म्यूजिक का एक शानदार फ्यूजन। सच कहूं तो मुझे लगता है कि आइडिया इतना ज्यादा। घबराओ नहीं, मैं हूं ना। बस उम्मीद है कि दुनिया में कुछ अटपटा ना हो जाए। हमें दिल से मेहनत करनी है। ये तो धोखा है। मेरे एनिमेटर्स को मुझसे बात करनी चाहिए थी, ना कि कार्टून गिल्ड से। खैर, ये तुम्हारे एनिमेटर्स की तरफ से बातचीत करने आया है। खैर, इनकी मांगे काफी वाजिब हैं, समझे? वाजिब हैं? बकवास है। इन्हें बस एक जैसी जॉब्स के लिए एक जैसे पैसे चाहिए और हफ्ते में आराम भी चाहिए। एनिमेशन ऐसे नहीं हो सकती। क्यों नहीं डिज्नी, इसके बारे में सोचो। ये सही कह रहा है, तुम्हें सबको साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए डिज्नी। तो ठीक है, सोचता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, मेरा काम हुआ, अब मैं चला। मुझे छुट्टी चाहिए, लेकिन मेरे सपने अभी पूरे नहीं हुए। मैंने एनिमेशन कर लिया, बारी है लाइव एक्शन की। पर लाइव एक्शन से आपका क्या मतलब? लोग आपकी मूवीज का मजा ले तो रहे हैं। वही तो, मिकी माउस तुम हो जीनियस। थैंक यू डिज्नी। मैं सभी लोगों के लिए एक ऐसी दुनिया बनाऊंगा जिसमें वो मेरी कल्पना को जी पाएंगे। डिज्नीलैंड कैसा लगा? आइडिया अच्छा है दोस्त। शायद मैं ऐसा करके अपनी गलतियों की भरपाई कर पाऊंगा। ये सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी फंडिंग से हम जादू की दुनिया बनाएंगे जो होगी मजेदार। अच्छा आइडिया है। और टीवी के जादू से, तुम्हारे नेटवर्क से, इसे हम दुनिया तक पहुँचाएंगे। तुम तो जीनियस निकले डिज्नी, ये पक्का काम करेगा। आखिरकार मेरा सपना सच हो गया, लेकिन मैं इसके बाद क्या करूंगा? मुनाफा हो रहा है, फिल्में भी कामयाब हो रही हैं, लेकिन इसके आगे क्या? एक मिनट, आप डिज्नी हो ना? स्वागत है मेरी जादू की दुनिया में। मिस्टर डिज्नी, मैं भी आपकी तरह कार्टून्स बनाना चाहता हूँ। तुम ऐसा कर सकते हो बच्चे, तुम्हें बस सपने देखने हैं। सपने देखना बंद मत करना। थैंक यू मिस्टर डिज्नी। मैं हूँ बेस्ट।